नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सानस फ्लेवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल, यम्मी और डिलीशियस वाइट चिकन पुलाव। आपको बहुत पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे चिकन आधा किलो लिया है। इस तरह से लेग पीस को स्लिट बना ले। नमक स्वादानुसार या करीबन आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, गाढ़ा दही 3 बड़े चम्मच, मुट्ठी भर ताज़ा पुदीने के पत्ते। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और करीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैंने लिया है लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल। इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लिया है। अब इसमें पानी डालकर कम से कम 30 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। एक मिक्सी जार में डालते हैं हरी मिर्च 5, लहसुन 12 कलियाँ, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। इसे अच्छे से बारीक पीस ले। ये देखिए फाइन पेस्ट हो गया है। पुलाव बनाने के लिए हैवी बॉटम वाला कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं तेल और थोड़ा सा देसी घी भी डालेंगे। तेल गर्म होते ही डालते हैं तेजपान 2, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, आधा चम्मच शाह जीरा, अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे करीबन 2 बड़े चम्मच। अच्छे से सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालते हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज लंबे कटे हुए, नमक करीबन 1 चम्मच। ध्यान रहे मैरिनेशन में भी नमक डाला हुआ है। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएं। अब हम इसमें डालते हैं 1 छोटी टमाटर बारीक कटी हुई। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को बाकी के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ढक कर चिकन को लो फ्लेम में कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट के बाद चिकन में डालते हैं बिरयानी मसाला 2 छोटे चम्मच। बिरयानी मसाला का रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप बाद में चेक कर लीजिए। एक बार मिला लेने के बाद इसमें डालते हैं चावल जो पहले ही भिगो के रखा था, बारीक कटी हुई धनिया। अब इसमें डालते हैं गर्म पानी 2 कप। 1 कप चावल लिया है तो 2 कप पानी डालेंगे। बर्तन के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रख के ढक्कन ढककर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। इस तरह करने से चावल अच्छे से दम में पकेगा। 10 मिनट के बाद चलिए चेक करते हैं। पुलाव हमारा पक चुका है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करेंगे। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट वाइट चिकन पुलाव बन के रेडी है। ये देखिए चावल का हर एक दाना खिला खिला है। इसे रायता के साथ सर्व करें। आप मेरे चैनल में कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस चैनल में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।